हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने ऑडियो चैनल जी के NGS अपडेट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कुछ रोचक तथ्य के बारे में, यानी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अमेजिंग फैक्ट अबाउट इंडिया। सो फ्रेंड्स, अगर ऑडियो पसंद आए तो ऑडियो को लाइक कीजिए, ऑडियो को शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम शुरू करते हैं अपना ऑडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, इंडिया इज अ कंट्री सिचुएटेड इन साउथ एशिया ऑन वर्ल्ड मैप, यानी कि भारत विश्व मैप में साउथ एशिया में स्थित है। हमारा सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड, इंडिया मेजर 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि अगर हम भारत की लंबाई की बात करें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो वो है 3,214 किलोमीटर, यानी कि 1997 माइल, तथा अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो वो है 2,933 किलोमीटर, यानी कि 1,822 माइल। तो फ्रेंड्स, शुरू कर बताते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, वो है इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाई एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाई पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंडिया शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद सेवन कंट्री नेम्ड एज बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, यानी कि भारत के साथ ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। उनका नाम नियंत्रण बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान है। फ्रेंड्स, ये नाम पूरे सीरियल वाइज में है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और लास्ट में सबसे कम यानी अफगानिस्तान के साथ। देखते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट पॉइंट, एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरेटरीज, यानी कि वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की फिर तरफ, तो वो है गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। द टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज 2,525 किलोमीटर, यानी कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2,525 किलोमीटर है। तो फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज उलर लेक, यानी कि भारत का सबसे बड़ा झील जो है वो उलर लेक है। नाउ फ्रेंड्स, हम अपने अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है अरावली माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि भारत में स्थित है, वो पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कांगड़ा फोर्ट इज ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि कांगड़ा फोर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वो भारत का सबसे पुराना किला है। फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है इट इज़ उत्तर प्रदेश इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन, यानी कि
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, वो है द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इट ऑफ इंडिया इज उत्तर प्रदेश, हैविंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ 19,98,12,341। यानी कि भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उसकी कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। तो फ्रेंड्स, हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि सिक्किम भारत का वह राज्य है जिसमें की जनसंख्या सबसे कम है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम इज 607,688। यानी कि सिक्किम राज्य की कुल जनसंख्या 607,688 है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, वो है राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया। यानी कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान इज 342,239 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 342,239 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, वो है राजस्थान कवर नियर अबाउट 10.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। यानी कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.4% हिस्सा कवर करता है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया। यानी कि भारत में स्थित गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, हम अपने अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, द टोटल एरिया ऑफ गोवा इज 3,702 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि गोवा की जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,702 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया बाई एरिया। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो फ्रेंड्स, हम अपने अगले टॉपिक पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है द टोटल एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि भारत में स्थित अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कुल क्षेत्रफल 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, वो है लक्षद्वीप इज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया बाई एरिया। यानी कि लक्षद्वीप वो भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। द टोटल एरिया ऑफ लक्षद्वीप इज 32 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि लक्षद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, वो है कच्छ इन गुजरात इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाई एरिया। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला वो है कच्छ। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है कि द टोटल एरिया ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इज 45,652 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि कच्छ जिले की जो कुल क्षेत्रफल है वो है 45,652 स्क्वायर किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है मही इन पांडिचेरी इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाई एरिया। यानी कि मही जो पांडिचेरी में स्थित है वो भारत का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है थाने इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाई पॉपुलेशन। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला थाने है। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट इज 1,10,60,448। यानी कि
जो थाने जिले की कुल जनसंख्या है वो है 1,10,60,148। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, वो है मही स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाई पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से मही जो भारत का सबसे छोटा जिला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मही इज 41,816, यानी कि मही जिले की कुल जनसंख्या 41,816 है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, वो है केरला इज द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग हाई लिटरेसी रेट, यानी कि केरला राज्य में लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है कि द लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज 93.91% अकॉर्डिंग टू सेंस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरला की कुल लिटरेसी रेट वो है 93.91%। फिर हम अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, जो है बिहार इज द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि बिहार भारत का वह राज्य है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो फिर बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, वो है द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इज 63.82% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो कुल लिटरेसी रेट है वो महज 63.82% है। तो फ्रेंड्स हमको उम्मीद है आपको ये ऑडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये ऑडियो अगर पसंद आया हो तो ऑडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।